नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। कोरोना से बचाव के लिए देश भर में चल रहे लॉकडाउन में मंदिर मस्जिद सूने पड़े हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर मक्का मदीना तक और देश भर के मंदिरों में अल्लाह ईश्वर सन्नाटे में विराजमान है। देश के कई हिस्सों में सामूहिक नमाज हो रही है, इसको लेकर कई जगह बवाल और पथराव हो चुका है। शासन प्रशासन धर्म गुरुओं और मौलानाओं से अपील कर रहा है, लॉकडाउन का फिर भी उल्लंघन हो रहा है। मस्जिद में नमाज से रोका गया तो लोगों ने छतों पर सामूहिक नमाज पर जैसे नोएडा के मौलाना क्या बोले, आइए सुने इस खास वीडियो में जो सिर्फ रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आइए सुने क्या कहते हैं सामूहिक नमाज पर ग्रेटर नोएडा के मौलाना जी। मौलाना साहब, आजकल जो ये सरकार ने सार्वजनिक नमाज पढ़ने पर जो रोक लगाई है, उससे उसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, ये तो बिल्कुल हक है। जो हमारे प्रधानमंत्री और जो हम यूपी के जो है योगीनाथ जी, ये भी जो हुक्म जो दिया है, इसके पालन करनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं, वो हमारे बादशाह है। अब बादशाह जो हुक्म करे, वो हुक्म को बजा लाना है। और ये बवाल जो है, ये बीमारी है, इनसे हर इंसान को बचना चाहिए। इसलिए कि एक दूसरे से, यह हदीस पाक का भी मफहूम है कि अगर ये बीमारी अगर आ जाए तो एक दूसरे से अलग रहें और अपने हाथों को दिन में कम से कम 5 दफ़ा या 7 दफ़ा जो है कि अपने हाथों को साबुन से धोएं। इससे जो है कि वो बीमारी दूर होगी। और औरों को भी सलाह दें कि कोई बाहर जो है कि ना घूमें, अपने घरों में रहें, अपने बच्चों को भी अपने घर के अंदर रखें, ताकि इस बीमारियों से, इस बलाओं से जो है कि महफूज रहें। तो मौलाना साहब, ये जो धर्म आपका क्या कहता है इस विषय पर, जो ये सरकार का फरमान है, और धर्म की क्या मत है इस बारे में? शरीयत भी यही बता रहा है कि हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कहीं भी कोई खित्ते में अगर ऐसी बवाल हो जाए, ऐसी बीमारी हो जाए जिससे छुआछूत कहा जाता है, तो इससे तुम दूर रहो या उसको आने मत दो। अगर किसी इलाके में हुआ है तो उसको वहीं मना कर दो कि तुम भाई हमारे बस्ती में मत आओ, उस इलाके में जो है कि फला बीमारी है। तो ये शरीयत भी बता रहा है और सरकार का भी यही हुक्म है, जो हमारी सरकार है वो भी यही बता रहे हैं। तो दोनों का जो है कि हुक्म यही एक ही है। वहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन चीज़ों से है दूर रहो। इधर हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि इन जो है, जो इस इलाके में अगर ये बीमारी फैला हो, उससे तुम दूर रहो, उसको आने मत दो। तो ये तो बिल्कुल हक है। तो मौलाना साहब, ये शरीयत भी कह रही है और देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बात को कह रहे हैं, फिर भी आपके लोग नहीं मान रहे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग तो समझाने का काम करता हूँ, और समझना न समझना तो उन लोगों के अख्तियार में है। और जहाँ तक हमारे लोगों की कोशिश होती है, हम लोग समझाने की कोशिश करता हूँ कि ताकि लोगों को जो है कि जहन में आ जाए और इन चीज़ों से बाज आ जाए कि बाहर ना बैठें, और जो डॉक्टर का सलाह है उसके मुताबिक जो है कि अपने आप को जो है कि ज़िंदगी को गुजारें, और उनके जो है कि हुक्म के मुताबिक जो है कि अपने आप को रहें, क्योंकि दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत है। यहाँ पर इस महालात हाजरा में दवा का भी करना जो है कि हुक्म है, और दुआ का भी करने का हुक्म है। तो दोनों चीज़ों का जो है कि सिला लें और सहारा लें। अल्लाह ताला ना जाने दुआ से हो या दवा से हो, शफा करे। मौलाना साहब, आप धर्म गुरु हैं, आप लोगों की बात का समाज के लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप अपने समाज के लोगों को समझाने का, जागरूक करने का कैसे क्या प्रयास कर रहे हैं? बस इसी तरह जो है समझा रहे हैं, मैं के जरिया से जो है कि समझा भी रहे हैं, और गली कूचे में अगर जाते हैं, बैठा हुआ रहता है, तो बच्चे से वो समझाते हैं कि बच्चे तुम यहाँ पर इस रास्ते पर मत बैठो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से बैठने से हो सकता है कि किसके बदन में बीमारियाँ हैं, इस बीमारियाँ से जगह फैलती। अब आइए सुने दूसरे मौलाना क्या कहते हैं। साहब, पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि आजकल जो मस्जिदों में सार्वजनिक नमाज पर रोक लगाई गई है, आप इससे कितना सहमत हैं? ये बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, जो बीमारी महामारी चल रही है, इसे हदीस के हिसाब से ये ठीक है बिल्कुल, कि हमारे नबी ने भी ये फरमाया कि जब कोई बीमारी फैल जाए तुम उस जगह मत जाओ और वहाँ भी किसी को आने मत दो। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये बीमारी महामारी की है, छुआछूत की बीमारी है, इससे बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। एक जगह एक महफिल में दो आदमी को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इससे आपका क्या कहता है इस विषय पर? हमारा धर्म ने कहा ना, हमारे हदीस में आया, हमारे नबी ने फरमाया है, ये हमारे हदीस की बात, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं बेधर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे धर्म में ये आया है कि जब कहीं ताऊन फैल जाए तुम अपने घर से मत निकलो, ना बाहर का आदमी वहाँ पे आना चाहिए, ये हमारे धर्म की बात है। तो ये मोदी जी का, योगी जी का जो फरमान है, उससे आप सहमत हैं? नहीं, वो सहमत ठीक है, हम अपने हदीस के भी माने रूह से, तो वो भी ठीक है उनका कहना कि बीमारी फैल रही है, महामारी बीमारी है, इससे बिल्कुल अलग रहे। मोदी कोई दूसरी बात थोड़ी कर रहे हैं, या कोई हमें कैद में थोड़ी डाल रहे हैं। मोदी यही तो कह रहे हैं, हमारे बचाव के लिए कह रहे हैं, योगी भी हमारे बचाव के लिए कह रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रहे हैं, कोई हमें कोई ऐसी तकलीफ दे बात तो नहीं कह रहे वो।
इसके लिए क्या उपाय कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए? हम जागरूक करने के लिए ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टरों ने जो बताया, जो सलाह दी डॉक्टरों ने कि हाथों को धो और किसी चीज़ को छूने से अपनी, तो उन सब बातों पर अमल करो जो डॉक्टरों ने बताया। उसके अलावा एक जगह मत हो, नमाज अपनी घर में पढ़ो, किसी रिश्तेदार को आने मत दो या अपने बच्चों को बाहर मत भेजो। हम तो आइए सुने तीसरे मौलाना क्या फरमाते हैं। मौलाना साहब, आजकल ये जो मस्जिदों में सार्वजनिक रूप से नमाज पर जो रोक लगाई गई है, उससे आप कितने सहमत हैं? फुल तरीके से सहमत हैं। अगर लोग इस चीज़ का पालन करें और मस्जिदों से दूर रहें तो बेहतर है, बल्कि अपने घरों में भी अगर बाहर से सामान लाते हैं तो उसकी भी जांच करके लाएं कि हम कहाँ चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, अपने बच्चों को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं। इसमें धर्म आपका ये कहता है कि इसमें परहेज करना चाहिए? जी बिल्कुल कहता है। तो आपका क्या प्रयास है, आप क्या कर रहे हैं इस संबंध में, लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं? मैं यहाँ अपने मस्जिद में जब जुमे का दिन आता है या जुमेरात का दिन आता है तो मैं ऐलान करता हूँ कि भाई मस्जिदों की तरफ ना आए, और जो साथी मिलते हैं, जैसे मैं सुबह सब्जी वगैरह लेने के लिए जाता हूँ तो कुछ साथी मिल जाते हैं, तो मैं उनसे भी ये कहता हूँ कि अगर काम है तो काम करके फौरन अपने घरों को निकलें और अपने घरों में बैठें, और जो महल्ले में साथी मिलते हैं उनसे भी कहता हूँ कि भाई घरों से ज़्यादा ना निकलें तो बेहतर है। मोदी जी और ये योगी जी का जो फरमान है मस्जिदों में आप अधिक से अधिक सार्वजनिक तौर पर इकट्ठे ना हों जी, तो इससे आप कितने सहमत हैं? 100%, क्योंकि एक हाकिम है हमारे वक्त का, और जो शहंशाह होता है उसका हुक्म मानना, इस्लाम ने बताया है कि जो तुम्हारा शहंशाह है उसका हुक्म सर आंखों पर रख कर चलो, चाहे वो किसी भी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन उनका हुक्म मानना हमारे लिए फ़र्ज के बराबर है। तो देखा और सुना आपने, ये थे ग्रेटर नोएडा के मौलाना। मौलानाओं के बारे में शायद ही आपकी ऐसी धारणा रही हो, पर ये मौलाना धर्म की सही व्याख्या कर धर्म की आड़ में अधर्म और असामाजिक कार्य करने वालों को कानून और सहिंसा के आदेश को पालन करने की सीख दे रहे हैं। अब तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। कोरोना से अपना, परिवार का और समाज का बचाव करने के लिए सामूहिक नमाज पर रोक लगानी ही होगी, क्योंकि धर्म तभी रहेगा जब आप सुरक्षित होंगे। तो आप देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल सतीश शर्मा जाफरवादी के साथ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, और देखते रहें रन फॉर लाइफ यू।